पर यदि विचार किया जाए, गहराई से सोचा जाए तो मालूम पड़ता है कि सुख और दुख किसका खेल है। संसार को तो बोल दिया कि सुख और दुख का खेल है, परंतु सुख दुख किसकी वजह से होते हैं? जी कर्मों की वजह से। जो भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें ही सबसे ज्यादा भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए अच्छा परिणाम, बुरे कर्म किए बुरा परिणाम। जब तो अज्ञान वश, विकारों के वश, मनोविकारों के वश होकर के हिंदी कर दिए, चलो को समझ के गए, बड़े बड़े पाप कर्म तो नहीं करते, छोटे मोटे हो जाते हैं, वो तो हो जाते हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए। कई बार कहते तो चलता है ना, चला लेते हैं, परंतु कभी देखा कभी सोचा कि कभी कोई बड़े पहाड़ से टकरा कर वो कर नहीं खाता है, छोटे छोटे पत्थरों से ही टक्कर वो टकराता है, कर खाता है, गिरता है, बड़े पहाड़ से कभी कोई ठोकर। तो ये जो छोटी छोटी बूंदों को हम इग्नोर करते हैं, यही बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं दुखों के। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी नहीं चलाना। कल मैंने एक बात कही कि यह हमारे क्लोजिंग का समय है, हिसाब किताब जो चल रहे हैं हम सबके सामने तेरे सब जन्मों के, उनको क्लियर करने का वक्त आ गया है। तरीके बाबा ने बता दिए हैं, या तो वो तरीके अप्लाई करने हैं या फिर वो अपने तरीके से इन हिसाब किताब को खत्म करेगा। कोई भी कर्म के परिणाम से बच नहीं पाएगा। यहाँ पर ये कर्म सिद्धांत अटूट और अटल है सृष्टि का। वैसे भी कहते हैं ये सृष्टि भूगोल है, भूगोल भूगोल कहते हैं ना, यानी कि ये भूमंडल गोल है, चारों तरफ से बंद है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जहां से चलोगे, जो जो छोड़ते हुए जाओगे, जब वापस आओगे वो सब मिलेगा, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। कांटे छोड़ोगे कांटे प्राप्त होंगे, फूल छोड़ोगे आपके ही मार्ग में फूल खिले हुए मिलेंगे। अब जो हो गया हमसे वो तो हो गया अज्ञानवश, अब उसको तेजी से मुझे लाइक करना है, क्योंकि जब भी पाप कर्म सामने आता है तो किसी न किसी कष्ट को, रोग को, शोक को, या किसी न किसी तरह से मनमुटाव को, असफलता को, पराजय को हमारे सामने लेकर आता है। अब अगर हम इन्हीं में ही अटकते रहे तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। जो हमारा प्रभु मिलन होना चाहिए शांत चित्त मन से, जो उसकी वाइब्रेशन हमें ग्रहण करने चाहिए, उस पर मन एकाग्र करके उसकी शक्तियों को रिसीव करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यही जैसी आवश्यकता है पुण्यों में वृद्धि करें हम। घबराने की बात नहीं, अगर आज जीवन में कुछ भी मन अनुकूल नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफें हैं, कष्ट हैं, रोग शोक हैं, मनमुटाव हैं, असफलताएं हैं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो कन्फर्म है कि मेरा ही किया हुआ मेरे सामने आया है। इसीलिए पहली बात एक्सेप्ट करेगा, दोषी कोई और नहीं, निर्दोष दृष्टि और हौसला भी ना हारे, क्योंकि गिरते वही हैं जो चलते हैं, जो चलते ही नहीं वो तो गिर
जो हो गया सो हो गया। आपकी सुध लेनी है मुझे, अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, भोगनाएं बहुत हैं, तो तेजी से अपने पुण्य कर्म में वृद्धि कीजिए, क्योंकि जब पाप का प्रभाव चरम सीमा पर होता है तो भोगनाएं भी कष्ट भी चरम सीमा पर होती है, और जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा पाप का प्रभाव डाउन हो जाएगा, और जैसे पाप का प्रभाव डाउन होगा तो उसके द्वारा जो कष्ट भोगनाएं आ रही हैं वो अपने आप डाउन हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं, बस आवश्यकता इतनी है कि जितने पाप किए उससे कहीं ज्यादा मैं पुण्य कर्म कर लूं। अब दो तरीके हैं, गिलास में गंदा पानी है या तो आप उसे उलट करके लीजिए, अगर इतना नहीं कर सकते तो साफ नल के नीचे उस गंदे गिलास के पानी को रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे, गंदा अपना बाहर और साफ, पुण्य करते रहिए करते रहिए करते रहिए, पाप निकलता जाएगा और एक दिन पुण्य का प्रभाव भारी हो जाएगा, पाप का प्रभाव डाउन हो जाएगा। दूसरे की हमारी तो बड़ी रोज में चल रही है, महल मालियां गाड़ियां सब कुछ तो है हमारे पास, हमें क्या करनी है पाप पुण्य के, तो इधराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कमाई कर नहीं रही हूँ, सेविंग मेरी हो नहीं रही है, जो जमा है बस निकाल रही हूँ खा रही हूँ, निकाल रही हूँ खर्च कर रही हूँ। अब सोचिए जिस दिन ये बैलेंस मिल हो जाएगा, क्योंकि कमाई कुछ नहीं सेविंग कुछ नहीं, अगर ये बैलेंस मिल हो गया उस दिन मेरी स्थिति क्या होगी, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, हो सकता है कि खाना खाना तो सामने हो पर मुंह काम ना करे, इसलिए दोनों ही स्थिति में, चाहे स्थिति सुख में है चाहे समय मेरे अनुकूल है, चाहे स्थिति दुख में है चाहे समय मेरे अनुकूल नहीं है, दोनों ही स्थिति में मुझे पुण्य कर्म चाहिए, ये मेरी असली पूंजी है असली कमाई है, ये है दौलत, हर दिन कमाऊं हर दिन जमा कर दूं।